खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश में इस बार की नौतपा गर्मी नहीं बल्कि बारिश लेकर आए हैं। कल से ही मध्य प्रदेश में कई इलाकों में लगातार हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि इस बार पूरे नौतपा यानी 2 जून तक लगातार गरज के साथ हल्की बौछारें रहेंगी। मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिविटी अब शुरू हो चुकी है और रीवा, खंडवा, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम और सागर संभाग के कई जिलों में यानी आधे से ज्यादा प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक इसी तरह मौसम में नमी बनी रहने, कुछ जिलों में गर्मी पड़ने की भी बात कही गई है। लेकिन जिस तरह बुधवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, उससे लग रहा है कि अगले एक हफ्ते तक तापमान में और गिरावट होगी। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी भी चालू हो गई है। मॉइस्चर दोनों तरफ से आ रहे हैं, वे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पूरे प्रदेश में, इसलिए रेनफॉल एक्टिविटी पिछले 2-3 दिनों से बढ़ी हुई है। आगे भी अगले 2-3 दिनों तक ऐसी ईस्ट और वेस्ट एमपी में गरज चमक के साथ तेज हवा के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी टेम्परेचर आज थोड़ा सा राइज होने की 40-41 के आसपास रहने की संभावना है और शाम के समय गरज चमक की स्थिति बन सकती है, जिससे तेज हवा के साथ हल्की वर्षा भी होने की संभावना है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।